नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पहले से पता होगा कि यहां पर मैं जो हूं स्टेट वाइज वैकेंसी लेकर के आता हूं, और उसके लिए मैंने एक अलग से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखा है स्टेट वाइज वैकेंसी SSC CHSL 2018 करके। ये सभी के सभी आपको जानना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि आप सभी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ये नहीं समझ पाते हो कि आपको कौन से पोस्ट को सबसे पहले, कौन से डिपार्टमेंट को सबसे पहले चूज़ करने पे आपको होम स्टेट मिल सकती है। तो उसके लिए जो है आप सभी को स्टेट वाइज वैकेंसी से देखनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, और उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, तो आप लोग वहाँ से जाकर के हेल्प ले सकते हो। इस वीडियो में मैं आप सभी को आज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में LDC की जो पोस्ट थी उसके रिगार्डिंग मैं बताना चाहता हूँ। मैं इसमें एक बात मैं क्लियर कर दूँ, ये RTI हो सकती है कि थोड़ी बहुत इसमें उनके द्वारा रिप्लाई देने में गलत हो सकती है, हालांकि ये RTI सही है, और ये RTI मैंने खुद लगाया था और मैं उस RTI को ही लेकर के आया हुआ हूँ। और आप देखोगे कि जो 3 डिजिट में जो वैकेंसीज थी आप सभी की, वो वैकेंसी घट करके सिंगल डिजिट में आ चुकी है। ठीक है, एक सिंगल डिजिट में आपको वैकेंसी दिखेगा, आप देख करके काफ़ी परेशान हो जाओगे। इसलिए मैं पहले ही मैं बोल देता हूँ कि उसके रिगार्डिंग एक अपील फाइल की गई है, हो सकता है कि उनके द्वारा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई हो। तो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हो यहाँ पर कि यही रिप्लाई आया हुआ था। ठीक है, कंप्यूटर नंबर इतना, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, एंड मेरे को ये जवाब दिया गया था विक्रांत गौरव, ईमेल ID यहाँ पर मैं यही है। ठीक है, और RTI एप्लीकेशन बियरिंग नंबर MOURBR 2019-52035। हालांकि MOURB से आप थोड़े बहुत कन्फ्यूज़ हो सकते हो अगर आपने पहली बार इसे देख रखा है, बट यहाँ पे साफ साफ शब्दों में आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मैंने उनसे ये चीज़ पूछा था, व्हाट इज़ द स्टेट वाइज वैकेंसी ऑफ LDC टू बी फिल्ड थ्रू SSC CHSL 2018 एग्जामिनेशन। यहाँ पर उनका रिप्लाई जो कि है आया वो आप देख सकते हो, देयर इज़ ओनली वन वैकेंसी ऑफ LDC। ठीक है, देयर इज ओनली वन वैकेंसी ऑफ LDC टू बी फिल्ड थ्रू CHSL 18। दिस वैकेंसी फॉर OBC कैटेगरी कैंडिडेट इज इन द ऑफिस ऑफ DTE ऑफ स्टेट्स रीजन्स एट चंडीगढ़। और वो भी जो वैकेंसी जो है आप सभी का चंडीगढ़ में है। ठीक है, यहाँ पर एक और पॉइंट था, एज पर सेक्शन 19(1) ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, यू मे फाइल एन अपील इफ एनी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ हैव डिसीजन विद द अपेलेट अथॉरिटी हुज नेम एंड एड्रेस इज एज फॉलोस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक अपील लगा दिया है क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उनसे मिस्टेक एक हुई है। ठीक, क्योंकि मैंने पूछा था कि स्टेट वाइज वैकेंसीज आप बताओ मुझे, तो यहाँ पे सिंगल वैकेंसीज नहीं थी, और इसका प्रूफ हमें कहाँ से मिलता है, यहाँ पर से, जो कि आपका SSC के साइट पे ये अपलोड किया हुआ है, टेंडेटिव वैकेंसीज फॉर कंबाइंड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2018 डेटेड 5/3/2019। और यहाँ पर जैसे ही आप जाकर देखते हो 25 नंबर पॉइंट पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो यहाँ पर L नंबर पोस्ट जा करके देखोगे तो 121 वैकेंसी इज फॉर UR एंड 24 फॉर SC, 36 फॉर ST, 74 फॉर OBC। टोटल वैकेंसीज आप सभी का यहाँ पे था 272, बट यहाँ पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वन वैकेंसी का जिक्र किया है, इसलिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डॉट गया हुआ है। अब देखते हैं कि उसका अपील का क्या रिजल्ट आता है और क्या नहीं आता है। अगर एक ही वैकेंसी अगर हुई तो 271 वैकेंसीज को काट ली गई है, ये 100% श्योर होगा आप सभी का। बट आप कुछ दिनों तक वेट कीजिए, जल्द से जल्द आप सभी का ये अपील जैसे ही आता है मैं वैसे ही फटाफट आप सभी को वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, चलता हूँ मैं, थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।